अगर आपको भी हमारे नए वीडियोस देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं तो हमारे वीडियोस के नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर घंटे बटन को जरूर दबा दें, नहीं तो आपको हमारे नए वीडियोस की सूचना नहीं मिल पाएगी। आपको पता, जब 98 में भारत ने एक्सप्लोजन किया था तो 5 धमाके किए थे, पाकिस्तान ने भी 5 किए थे बाद में। 5 जो किए थे हमारे अलग अलग थे, एक हाइड्रोजन बम का था जिसको न्यूक्लियर बम कहते हैं, एक एटम बम का था, 3 सब टन के थे, 0.1 और 0.2 जो ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, यानी आपको शहर उड़ाना नहीं होता, आपको हमेशा आपको एक छोटा सा एरिया एयर स्ट्रिप पूरी खत्म कर देनी है। उसके अलावा आपके पास प्रिसीजन और वो भी तो होना चाहिए। आज जैसे ही आप कोई न्यूक्लियर वॉरहेड लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट्स के थ्रू कनेक्ट किया जा सकता है, उसको कैच किया जा सकता है। हमारे पास अपने सैटेलाइट है, आपके पास तो उधार के हैं, आप कहां से लोगे? दूसरी बात, मोदी जी की सरकार आने के बाद जल थल और नभ तीनों में क्षमता, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी है, यानी हम समुंदर में जाकर काफी दूर जाकर बैठे रह सकते हैं और कभी भी वहां से निकलकर काम कर सकते हैं। इसलिए मेरा यह मानना है कि वो जो न्यूक्लियर थ्रेट कहते हैं ये इतना आसान नहीं है। जिसे कहते हैं ना, हाथी बांधना आसान है खिलाना मुश्किल है, तो न्यूक्लियर वेपन रख लेना आसान है चलाना इतना आसान नहीं है, ये अच्छी तरीके से इमरान खान को समझ लेना चाहिए। और जो अभी आपने प्रधानमंत्री जी का दिखाया ना, उन्होंने कहा कि हमने को दिवाली के थोड़ी रखे। मुझे ध्यान है ये शायद चित्तौड़गढ़ की रैली का है, मैं उस रैली में था। चित्तौड़गढ़ की रैली मतलब राणा प्रताप की भूमि, तो मुझे लगता है कि उस भूमि से ही उनको एक प्रेरणा मिली थी, बहुत हमने सह लिया था, तो उसी में मैं कहना चाहूँगा जो प्रेरणा थी कि कहने को तो राणा के हैं वंशज कहते हम, राणा साहेब पौरुष अब क्यों नहीं विचारिए। अरे जीने के लिए तो मरना सीखना ही होगा प्यारे, कायरता का खोल तन मन से उतारिए, और आतंक जो मिटाना चाहते हो तो लोग गांठ बांध, कोई एक मारे आप 10-20 मारे। बिट्टा साहब, ये कैसे तय होगा कि कश्मीर की असल आवाज कौन है? वो लोग जो अलग अलग जगहों पर जाकर कहते हैं कि हाय मीडिया को बंद कर दिया, कोई जानकारी नहीं आने दे रहे, फोन कॉल्स पर नहीं, जबकि इससे बोलते हैं एक्सप्लोसिव सिचुएशन, तो कीजिए उनको बोलने दीजिए, अमेरिका के बोलते हैं परिस्थितियां, पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, अमेरिका के राष्ट्रपति कहते हैं एक्सप्लोसिव विस्फोटक स्थिति है वहां पर, काली पट्टी बांध लीजिए ना, आपको बोला ना राष्ट्रपति, बदतर परिस्थितियां है, बहुत खराब हालात, एक सेकेंड मिस्टर लोन, बदतर परिस्थितियां इससे पहले थी, अभी सब कुछ कोशिश यह है कि आगे की असल आवाज कौन है कश्मीर की, वो लोग जो ये रोना रो रहे हैं या फिर वो लोग जो ये मानते हैं कि विकास की राह पर एक बार आ गए तो जम्मू कश्मीर लद्दाख सब आगे बढ़ेंगे एकीकरण के साथ, कौन है असल आवाज? मैडम एक चीज बताइए, अमित शाह जी का आपने पार्लियामेंट में पूरा भाषण सुना होगा, मैंने अमित शाह जी को, वैसे मैं पॉलिटिशियन को बहुत कम सुनता हूँ पर उनको मैंने अच्छी तरह से सुना। अब 50,000 नौकरी, चलो 50 नहीं 40 नहीं 30,000 नौकरी, मेडिकल कॉलेज, इंडस्ट्री, अगर वहाँ विकास होगा इनको क्या तकलीफ है? बहनों के सुहाग नहीं उजड़ेंगे इनको क्या तकलीफ है? पत्थरबाजी नहीं होगी इनको क्या तकलीफ है? अगर हमारी फोर्सेस नक्सलाइटों को खत्म करने के लिए वहाँ काम करेगी इनको क्या तकलीफ है? इनके यहाँ दुकानदारियाँ, महबूबा मुफ्ती की दुकानदारियाँ, इनको चुप कराइएगा, इनको चुप कराइएगा, दो मिनट, अरे चुप कीजिए दो मिनट, फारूक अब्दुल्ला की दुकानदारी खत्म, महबूबा की दुकानदारी खत्म, इन नेताओं की दुकानदारी खत्म, और जनता जो है वहां सड़कों पे आगे आकर के नया रास्ता ढूंढ रही है, इनकी इनकी दुकानदारी खत्म हो रही है। अगर वहां पे ये बहुत सच बोल रहे आप, बहुत सच बोल रहे, धन्यवाद, आखिर समझ ही गए लोन साहब, चलिए ताली बजा दीजिए इनके साथ, झूठ तो आप बोलते, बहुत अच्छा।